हेलो गाइस, हम आज पढ़ने जा रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या क्या कवर कर लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बिल्कुल नए टॉपिक पर आए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हालांकि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ओके, आज हम उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे तो थ्योरी है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? इफ वी ड्रॉ अ सरफेस इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। यानी कोई एक ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होगा, तो उसे आप कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि इसके नाम में ही है, इक्विपोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो एट ईच पॉइंट। क्लियर है? छोटा सा है ये, इसकी डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हैं, इतना इजी है। बस इसमें एक चीज मुझे बतानी थी, इस वजह से मैंने देखिए, ये जो आपकी ये जो लाइन पास हो रही है, ये सभी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते, और ये जितना भी ये जो सरफेस सर्कल बने हुए हैं वो आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ये ऐसे सरफेस है कि हर एक पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो आपको जैसा दिख रहा है डायग्राम से ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो यही मुझे बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? जब आपके पास दो ऐसे चार्ज होते हैं जो अपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और उनके बीच एक सेपरेशन होता है, तब वो क्या बन जाता है? ये पूरा क्या बन गया आपका? ये पूरा ही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो इसकी डेफिनेशन बनाना आपके लिए इजी है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट पकड़िए, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ टू अपोजिट साइन, दो अपोजिट साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। क्लियर है? एक आपसे पूछ लेते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट की आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए, डाइपोल मोमेंट आपसे पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि इसको हम डिनोट करेंगे पी से। किससे डिनोट करेंगे? हम पी से करेंगे। दूसरा, ये डायरेक्शन, इसमें ये डायरेक्शनल होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप इसके फॉर्मूले से बना सकते हैं, क्यू इंटू डी। क्या हो जाएगी डेफिनेशन आपकी? अ डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो सिंपल डेफिनेशन है, बन जाएगी, लिखने की नीड नहीं है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। क्लियर है? चलिए, अभी हमें डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल की वजह से किसी भी डाइपोल, मान लीजिए कोई डाइपोल है और बाहर से कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कर रहा है, वो अब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। अभी हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो सपोज माइनस क्यू, सबसे पहले तो डाइपोल बनाएंगे ना, तो सपोज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट बी। सेपरेशन इन दोनों के बीच का मान लीजिए आपका है डी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू डी। इन दोनों के बीच में आप एक मिडल पॉइंट मानिए ओ,
ओके, और आपका क्या हो जाएगा मिडल पॉइंट। ये आपको लिखना है सब कुछ एग्जाम में भी नोट्स में भी। ओके, तो ये आपको हो जाएगा मिडल पॉइंट ऑफ किसका डायगोनल या एबी। ओके, अभी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि हमें किसी पॉइंट पी पर, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है पी और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ओ और पी के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आर है। ओके, यानी ओ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, यानी ये डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। और आप पी और पी का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो मान लीजिए थीटा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो यानी एंगल पी ओ बी आपने मान लिया थीटा है और आर आपका हो गया डिस्टेंस। एक चीज और मान लीजिए कि जो आर की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है डी से। ओके, क्योंकि आपका डाइपोल छोटा होता है और पॉइंट तो इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो डी से बहुत छोटी है। तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है वो आप लिख लीजिए। देखिए यहां पर हमें कैलकुलेट करना है द पोटेंशियल एट पी, पी पर ड्यू टू माइनस क्यू। ऐसे ही करते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे दो डिफरेंट चार्जेस से, तो पहले एक चार्ज से फिर दूसरे चार्ज से फिर दोनों को ऐड कर देते थे लास्ट में, वही यहां पर है। बस बस डाइपोल का थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा, इसको आप मान लीजिए वी वन। ओके, तो पोटेंशियल का सेम ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 चार्ज जो होता था वो डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां पर क्या है आपके पास, एपी, लेकिन एपी की तो आपके पास डिस्टेंस है ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए एपी। ओके, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड कैलकुलेट कीजिए पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, यानी इस वाले चार्ज से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये ए बी वाले डिस्टेंस मांगेगा, ये पी बी वाले सॉरी। चलिए तो वी टू की वैल्यू आ जाएगी -1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पे माइनस थोड़ा ही आएगा, यहाँ पे तो ये माइनस क्यू था लेकिन ये तो प्लस क्यू है ना, तो क्यू बाय आपका आ जाएगा पी बी। ठीक है, पी बी नहीं, चार्ज आप जो इसकी डायरेक्शन वो लेते हैं बी से पी पे लेंगे, क्योंकि चार्ज से पोटेंशियल आप देख रहे हैं, तो इसको लिखिए बी पी। ओके, इसमें ये गलती मत करना, ये अच्छा हो गया। लेकिन आपके पास एपी नहीं है, आपके पास बीपी नहीं है, यानी आपको एपी और बीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल कैलकुलेट होकर आएगा। ओके, तो चलिए एपी और बीपी कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल के लिए मैं इनको रब कर रही हूँ, बाद में लिख लेंगे। बताने के लिए था कि अगर मैं डायरेक्ट आपको एपी सॉल्व कराने लगती तो आप सोचते कि एपी क्यों सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपको पता है कि एपी हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए एपी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एपी सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, पी ओ को थोड़ा आगे बढ़ाइए और यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है और इसको मानिए ए ए डैश। ओके, तो अभी आप लिखेंगे यहाँ पे ए ए डैश क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू पी ओ। ठीक है, ए से पी ओ परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर ए टू पी ओ। क्लियर है, इस तरीके से आपको लिखना है ये चीज। सबसे पहले हम एपी कैलकुलेट करेंगे इसलिए। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कैसा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये भी तो पीओ से हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है ना, वैसे भी ये दोनों एंगल मैथमेटिक्स से भी सिमिलर हो जाते हैं। ओके, तो
ये भी थीटा वो भी थीटा, अभी आप यहां से निकालिए कॉस थीटा की वैल्यू। क्यों कॉस थीटा ही क्यों निकालना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही चाहिए, इसलिए हम इसको निकालेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, तो कॉस थीटा आपको क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा आपका हो जाएगा ए ओ, यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा, जो आपका बेस आएगा वो आएगा ए डैश ओ डिवाइड बाय ए ए डैश, ओके, तो ये आपका आ जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस डिवाइड बाय आपका आ जाएगा हाइपोटेनस, ओके, ओ ए ए डैश नहीं, ए ओ लिखिए इसको, हाइपोटेनस ए ए डैश, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, हाइट हो गई, तो यहां से आपकी ए ओ डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू लिखिए, ए डैश ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉस थीटा, ओके, ए ओ क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये डी का मिडल पॉइंट था, तो ये पूरी वैल्यू डी थी, तो ये हो जाएगी डी बाय टू, तो यानी ये आ जाएगा आपका डी बाय टू कॉस थीटा, ओके। चलिए अब हम ए पी देख लेते हैं, तो ए पी इज इक्वल हो जाएगा ए डैश पी के, कैसे है ना, क्योंकि जो आपके आर की वैल्यू है वो डी की वैल्यू से बहुत बड़ी है, इसलिए हम ये जो छोटी सी वैल्यू है, ये जो हमने परपेंडिकुलर लिया है, उस वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया कि जो ए पी है वो इज इक्वल्स टू ए डैश पी, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डी बहुत स्मॉल है आर के कंपैरिजन में, इसलिए जो इसका परपेंडिकुलर होगा ये वैल्यू हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश पी इज इक्वल्स टू ए डैश पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ प्लस ओ पी, लिखिए ए डैश ओ प्लस ओ पी, तो यहाँ पे ए डैश ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या निकाली आपने, ये वाली डी बाय टू कॉस थीटा प्लस ओपी की वैल्यू क्या है आपके पास, आर है, तो आपको समझ में आया, आपके पास एपी की वैल्यू क्या आ गई, आर प्लस डी बाय टू कॉस थीटा, ओके, ये आपके पास एपी की वैल्यू आ गई। आप इस एपी की वैल्यू को साइड में रखिए, एपी इज इक्वल्स टू आर प्लस डी बाय टू कॉस थीटा, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीपी कैलकुलेट करना है, तो वैसे तो ये सिमिलर कैलकुलेट होगा, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर लेके, वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ठीक है एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में आप सिमिलरली नहीं लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेट करके ही लिखाना पड़ेगा। अब हमें बी बी डैश की वैल्यू, बी पी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने बी बी डैश, बी से पी ओ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री का, ताकि हम बी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो आप ट्राइंगल लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल आपका कौन सा है, बी बी डैश ओ, यहां से आप फिर से कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये वाला एंगल तो थीटा ही है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस यानी बी डैश ओ डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी बी ओ, ओके, तो बी डैश ओ की वैल्यू आ जाएगी बी ओ कॉस थीटा, और बी ओ आपका क्या है, डी बाय टू कॉस थीटा, ये आ गई आपकी वैल्यू बी डैश ओ की। फिर से हम वही लिखेंगे, क्योंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, इसीलिए जो बी पी की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी बी बी डैश के, पी बी डैश के, ओके, यानी जो पी बी की वैल्यू होगी वो पी बी डैश के इक्वल होगी, इसको पी बी कर दीजिए, पी बी की वैल्यू पी बी डैश के इक्वल होगी, क्योंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पी बी डैश क्या हो जाएगा आपका, चलिए निकालिए, बी ओ माइनस
पी माइनस बी डैश ओ, ठीक है, यानी ओ पी माइनस बी डैश ओ आपका हो जाएगा पी बी डैश, और पी बी डैश हमने पी बी के ऑलमोस्ट इक्वल मान लिया है, तो आपकी जो पी बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ओ पी, यानी ओ पी की वैल्यू आपके पास आर है तो आर माइनस बी डैश ओ, बी डैश ओ की वैल्यू आपने यहाँ निकाली, इसको लिख लीजिए डी बाई टू कॉस थीटा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई पी बी की, क्लियर है। तो आप यहाँ पे इस पी बी की वैल्यू को लिख दीजिए, पी बी आपका आ गया आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, ओके, ये आपके दो वैल्यू आ गई। चलिए अब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टेंट ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट पी, यही आप कैलकुलेट कर रहे थे ना। चलिए तो आपके पास V1 की वैल्यू आई थी माइनस वन बाय फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एपी, ओके, तो एपी की जगह आप क्या लिख सकते हैं आर प्लस डी बाय टू कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी V2 की वैल्यू आई थी वन बाय फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय पी बी, तो पी बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं आर माइनस डी बाय टू कॉस थीटा, ठीक है। अभी आपको क्योंकि रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो आप लिखेंगे द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल एट पी क्या आ जाएगा आपका वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, क्लियर है। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे वन बाय फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, कॉमन ले लीजिए दोनों में है, तो आपके पास अंदर बचेगा वन बाय, आपके पास अंदर बचेगा, थोड़ा आप इसको सॉल्व कीजिएगा माइनस वन बाय आर प्लस डी बाय टू कॉस थीटा प्लस वन बाय आर माइनस डी बाय टू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब आप इसका इसके नीचे वन रखिए, ये एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे वन रखिए, ये एलसीएम लीजिएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, क्योंकि ये टू एलसीएम आएगा इसका, ये टू ऊपर चला जाएगा आपका, ओके, तो ये आ जाएगा माइनस टू डिवाइड बाय टू आर प्लस बी कॉस थीटा प्लस यहाँ पे भी सेम टू डिवाइड बाय टू आर माइनस डी कॉस थीटा, ओके, ये टू आप बाहर निकाल सकते हैं आपकी मर्जी, नहीं भी निकालेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। अभी आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मैथमेटिक्स में क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कर लेंगे इजी है, इसमें आप निकालेंगे कट फिट जाएगा, और जो फाइनल बचेगा वो आपका आएगा क्यू बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका यही आंसर आएगा फाइनल जो आएगा, ओके, यहां से थोड़ा रद्द कर रही हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है, तो अभी आप इसको लिखेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि r क्योंकि आपका बहुत ज्यादा स्मॉल बहुत ज्यादा ग्रेटर है d से, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे v की आपकी वैल्यू आ जाएगी वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू डी कॉस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्योंकि हमने कहा कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो इसलिए हम इस वाली टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे, ओके, और हम सिर्फ इसे ले लेंगे d cos theta डिवाइड बाय r स्क्वायर। q और d कुछ पहचानने में आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है q इंटू d,
ओके तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी 1/4 pi epsilon naught, तो ये हो जाएगा आपका पी cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये आपका आ गया नेट पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है आपका, देखिए r पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट p है वो कितनी डिस्टेंस पर है डाइपोल से, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और किस पर डिपेंड कर रहा है, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि cos थीटा भी यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसको प्लीज नोट कीजिएगा, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो डिपेंड ही नहीं करती डायरेक्शन पे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका एक्सप्रेशन में cos थीटा आया है यानी डायरेक्शन आ गई है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन और नॉट, तो आप लिखेंगे यस इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, क्लियर है। जबकि आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होता है ये वाला, यहाँ पर डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करता, केवल आपकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस दोनों के बीच में चार्ज के और पॉइंट के, लेकिन वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि यहाँ पर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों आप कंपैरिजन को समझिएगा, ये पूछा जा सकता है। ओके चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।